यूक्रेन युद्ध का समय बढ़ रहा है, पुतिन का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन युद्ध में रूस ने सब कुछ मिटा देने वाले हथियार को उतार दिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में हेल वेपन के नाम से जाने वाले टोस वन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया है, जो तबाही का नाम मिटने वाला निशान छोड़ गया है। रूसी सेना ने खुद इस हमले का वीडियो जारी किया है। रूस का यह दावा है कि इस लॉन्चर से भारी तबाही होगी। रूसी सेना की तरफ से यह वीडियो जारी किया है और ऐसे में सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए किस तरीके से रूस की सेना नुकसान पहुंचा रही है उसका यह वीडियो। डोनेस्क पर पुतिन का क्रोध, लंबे खिंचते यूक्रेन युद्ध पर पुतिन की सेना की लगातार किरकिरी हो रही है। लाख कोशिश के बाद भी पुतिन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। 3 महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूस का कंट्रोल नहीं हो सका। ऐसे में अब पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। पुतिन कुछ भी करके अपने नए मिशन को पूरा करना चाहते हैं। अब इसकी गाज यूक्रेन के शहर डोनेस्क पर गिरी है। पुतिन की सेना ने डोनेस्क में अपने सबसे खतरनाक हथियार से यूक्रेन के कई ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। रूसी सेना ने वहां हेल वेपन के नाम से जाने जाने वाले टीओएस वन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। रूस के इस बेहद घातक हथियार को ऐसे ही हेल वेपन या नर्क का हथियार नहीं कहते, बल्कि इसकी मार ऐसी होती है कि जिस जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है वो नर्क से भी बदतर हो जाती है। ये एक ऐसा खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके वार से तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाती हैं। जहां ऐसे घातक और ताकतवर रॉकेट से धावा बोला जाता है, उस जगह का तो फिर भगवान ही मालिक है। डोनेस्क में टोटल तबाही। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन की कई सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किए गए रूसी सेना के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें डोनेस्क के एक इलाके में एक साथ कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की वजह से वहां पहले तेज आग की लपटें निकलती दिखाई दी और फिर उसके बाद कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठता दिखा। लॉन्चर से दागे गए रॉकेट जहां भी फटते ऐसा लगता मानो छोटे परमाणु बम फट गए हों, क्योंकि रूस का यह खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक बम दागता है, जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं। यह हथियार सब कुछ मिटा देगा। यह एक ऐसा बम है जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोग घुट घुट कर मरने लगते हैं। इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतना घातक है कि परमाणु बम के बाद इसे रूस का सबसे घातक हथियार माना जाता है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घोट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बम से बच नहीं पाते। आग उगलते इसके रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसका वार इतना भीषण होता है कि दुश्मन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट के 24 राउंड फायर कर सकता है, और इसका हमला करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है। क्योंकि ये बम हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, इससे एक वैक्यूम सा बनता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है कि हमले की जगह पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इसके हमले से फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर का इलाका तबाह हो जाता है।
यही नहीं, यह करीब 6 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर देता है। प्रलय लाने वाली मिसाइल से हमला। पुतिन के घातक हथियारों के जखीरे में इस्कंदर मिसाइल भी शामिल है, जो लगातार यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें पुतिन के सैनिक इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह हमला किस जगह किया गया। जो वीडियो जारी हुआ उसमें रूसी सेना के जवान इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार करते दिखे, और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद सिस्टम में लोड की गई मिसाइल लॉन्च की पोजीशन पर आ गई, और फिर तेज रोशनी और धुएं के गुबार के साथ ही इस मिसाइल ने अपने तय टारगेट की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिक भी मार दिए गए। हाल के दिनों में रूसी सेना ने अपनी इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल तेज कर दिया है, जो 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने को निशाना बना सकती है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइलें करीब 700 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भी भर सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों के जरिए परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन युद्ध में जहां जैसी जरूरत पड़ी वैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। तबाही वाले हथियारों के इस्तेमाल में भी कोई कोताही नहीं बरती, भले ही उस हथियार से कितने भी बेगुनाह मारे जाएं या फिर शहर तबाह हो। ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है। तो इस जंग में रूस अब सबसे ज्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों ही देशों के नुकसान की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया है कि अब तक इस जंग में रूस के 29,600 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं जंग के बीच रूस की 3,235 वक्तबंद गाड़ियां तबाह की गई है। यूक्रेन ने युद्ध में रूस के 1,315 टैंक नष्ट करने का दावा किया है। इस युद्ध में 617 रूसी तोपे और 170 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया है। यूक्रेन यह भी कह रहा है कि जंग में रूस के 502 ड्रोन और 206 लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए हैं अब तक के इस जंग में। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद एक और देश जहां पर रूस का हमला बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, इसका इशारा पुतिन के राइट हैंड, पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर और पुतिन के सबसे बड़े हिटमैन ने कर दिया है। यह कमांडर कौन है, जिसमें पुतिन का वो सीक्रेट भी है जिसे ज़ेलेंस्की ने एक्सपोज करने का दावा किया है। पुतिन इतने दबाव में है कि उन्होंने अपने 115 सैनिकों और अफसरों को बर्खास्त कर दिया है।